इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। बिहार के गवर्नर श्री फागु चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रविशंकर जी, वीके सिंह जी, आर के सिंह जी, बिहार के डिप्टी सीएम भाई सुशील जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है। अब से कुछ देर पहले बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 लेन और 6 लेन बनाने का और नदियों पर 3 बड़े पुलों के निर्माण का काम शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन बिहार के लिए तो अहम है ही, ये पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, युवा भारत के लिए बहुत बड़ा भारत दिन है। आज भारत अपने गांवों को आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा रहा है और खुशी ये है कि इसकी शुरुआत कार्यक्रम पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत आज बिहार से ही हो रही है। इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि नीतीश जी के सुशासन में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते बिहार में इस योजना पर भी तेजी से काम होगा। साथियों, भारत के गांवों में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। गांव की महिलाएं, किसान, गांव के युवा भी इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे। लेकिन अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले दुनिया के सबसे अग्रणी देशों की कतार में है। अगस्त के ही आंकड़ों को देखें, सिर्फ अगस्त के, तो इस दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ, मोबाइल फोन के माध्यम से हुआ। कोरोना के इस समय में डिजिटल भारत अभियान ने देश के सामान्य जन की बहुत मदद की है। साथियों, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी
तेज रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो। सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब 1.5 लाख पंचायतों तक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है। यही नहीं, बीते 6 साल में देश भर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ऑनलाइन जोड़े गए हैं। अब यही कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जब गांव गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी, गांव के बच्चे हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यही नहीं, टेली मेडिसिन के माध्यम से अब दूर सुदूर के गांवों में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठे ही दिलाना संभव हो पाएगा। आपको मालूम है, पहले अगर रेलवे में कहीं आरक्षण करना होता था तो गांव से शहर जाना पड़ता था, कतार में खड़ा रहना होता था और रेलवे का आरक्षण के लिए हमें जाना पड़ता था। आज कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के अपने ही गांव में आप रेलवे का रिजर्वेशन, कहीं और जाना है तो उसका रिजर्वेशन आसानी से करा सकते हैं। क्यों? इंटरनेट की सुविधा। हमारे किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे किसानों को खेती से जुड़ी हर आधुनिक तकनीक, नई फसलों, नए बीजों, नए तौर तरीकों और बदलते मौसम की जानकारी रियल टाइम में मिलनी संभव हो पाएगी। यही नहीं, अपनी उपज के व्यापार कारोबार को पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने में भी उनको ज्यादा सुविधा होगी। एक प्रकार से गांव को अब शहरों की ही तरह हर सुविधा घर बैठे मिले, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि दुनिया भर में उसी देश ने सबसे तेज तरक्की की है जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से निवेश किया है। लेकिन भारत में दशकों तक ऐसा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और व्यापक बदलाव लाने वाले प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बिहार तो इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। साथियों, ये अटल जी की सरकार थी सबसे पहले जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति का, विकास की योजनाओं का प्रमुख आधार बनाया था। नीतीश जी तो तब उनकी ही सरकार के रेल मंत्री थे, उन्हें इसका और ज्यादा अनुभव है। उन्होंने गवर्नेंस में उस बदलाव को और करीब से देखा है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पर अब जिस स्केल पर काम हो रहा है, जिस स्पीड पर काम हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। 2014 से पहले की तुलना में आज हर रोज 2 गुनी से भी तेज गति से हाईवे बनाए जा रहे हैं। हाईवे निर्माण पर होने वाले खर्च में भी 2014 से पहले की तुलना में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। आने वाले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर
110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 110 लाख करोड़, इसमें से भी 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सिर्फ हाईवे से जुड़े हैं। साथियों, रोड और कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने के इन प्रयासों का बिहार को भी भरपूर लाभ हो रहा है। पूर्वी भारत पर मेरा विशेष ध्यान है। 2015 में घोषित पीएम पैकेज के तहत 3000 किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भी लगभग 650 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। आज बिहार में नेशनल हाईवे ग्रिड को गति दी जा रही है। पूर्वी और पश्चिमी बिहार को जोड़ने के लिए 4 लेनिंग के 5 प्रोजेक्ट, उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए 6 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आज भी जिन हाईवे चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है, उनसे बिहार के तमाम बड़े शहरों का सड़क संपर्क और मजबूत होने वाला है। साथियों, बिहार की कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी बाधा बड़ी नदियों के चलते रही है। यही कारण है कि जब पीएम पैकेज की घोषणा हो रही थी तो पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया था। पीएम पैकेज के तहत गंगा जी के ऊपर कुल 17 पुल बनाए जा रहे हैं और अभी सुशील जी ने बड़े विस्तार से उसका बड़ा खाका आपके सामने रखा और जिसमें से अधिकतर पूरे हो चुके हैं। इसी तरह गंडक और कोशिक नदियों पर भी पुलों के निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 4 लेन के 3 नए पुलों का शिलान्यास हुआ है। इसमें से 2 पुल गंगा जी पर और 1 पुल कोसी नदी पर बनने वाला है। इनके बनने पर गंगा जी और कोसी नदी पर 4 लेन के पुलों की क्षमता और बढ़ जाएगी। साथियों, बिहार की लाइफलाइन के रूप में देखे हैं, दुर्दशा भी देखी है, मुसीबत भी देखी है, आज नए रंग रूप में वो सेवाएं दे रहा है। लेकिन बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अब महात्मा गांधी सेतु के समांतर 4 लेन का नया पुल बनाया जा रहा है। नए पुल के साथ 8 लेन का पहुंच पथ भी होगा। इसी तरह गंगा नदी पर ही विक्रमशिला सेतु के समांतर बनने वाले नए पुल और कोसी नदी पर बनने वाले पुल से बिहार की कनेक्टिविटी और सुधरेगी। साथियों, कनेक्टिविटी एक ऐसा विषय है जिसे टुकड़ों में सोचने के बजाय संपूर्णता में सोचना होता है। एक पुल यहां बन गया, एक सड़क वहां बन गई, एक रेल रूट उधर बना दिया, एक रेलवे स्टेशन इधर बना दिया, इस तरह की अप्रोच ने देश का बहुत नुकसान किया है। पहले सड़कों का, हाईवे का, रेल नेटवर्क से कोई वास्ता नहीं रहता था। रेल का पोर्ट से और पोर्ट का एयरपोर्ट से कभी नाता नहीं रहता था। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का बिहार अब इन सारी पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। अब हाईवे इस तरह बन रहे हैं कि वो रेल रूट को, एयर रूट को
सपोर्ट करें। रेल रूट इस तरह बन रहे हैं कि वो पोर्ट से इंटरकनेक्टेड हो, यानी सोचें। सोच यही है कि यातायात का एक साधन दूसरे साधन को सपोर्ट करे। इससे लॉजिस्टिक को लेकर भारत में जो समस्याएं रही है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के सबसे ज्यादा लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को होता है, गरीब को होता है। इससे हमारे किसानों को भी बहुत अधिक लाभ होता है। किसानों को अच्छी सड़कें मिलने से, नदियों पर पुल बनने से खेत और शहरों के मार्केट की दूरी कम हो जाती है। साथियों, कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। ये देश के लोगों को, देश के किसानों को, मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं उस समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।